नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामे, इनकी एज नहीं पता, इनके सवाल भी नहीं पता, लेकिन मुझे इनके हाथ में जो दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र के क्षेत्र पर जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा फायदा देती है। आपको अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, जब जब और जैसे जैसे और जहाँ जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बट शर्त ये होगी, अगर आप अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के बेसिस पर करते हैं, यानी लंबे समय के लिए, कम से कम मिनिमम 6 साल, मैक्सिमम जीवन भर 10 से 12 साल, अगर इतने समय के लिए कहीं भी कैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अपने जीवन में काफ़ी बड़े फायदे में देख पा रहा हूँ। इसके अलावा ये इस बात की ओर संकेत भी करता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार और अच्छे खासे मिल जाते हैं। परमात्मा एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा व्यक्ति को मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करता है। शुक्र का क्षेत्र मुझे ये दिखा रहा है। बाकी ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी गज करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के योग भी आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी मंगल के क्षेत्र पर आएंगे तो देखिए, मंगल के क्षेत्र पर आपके हाथ में इस प्रकार सीधी खड़ी मंगल रेखा मुझे दिख रही है। मंगल रेखा अगर आपके हाथ में है तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके कह सकता हूँ कि आपने अपने पिछले जन्म में काफी सारे पुण्यकर्म किए होंगे। पास्ट लाइफ के पुण्यकर्मास को ये रेखा दिखाती है। इसका मतलब ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करें तो लाभ मिलता है। प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, सीमेंट आपका, रेत, बदरपुर, ईंट से जुड़ा बिजनेस, टाइल्स से जुड़ा बिजनेस, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इस तरह के अगर कार्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। बाकी मंगल की असीम कृपा आपको दिख रही है, लेकिन देखिए मंगल पर एक आपके हाथ में शुभ लाभ है। दूसरी नेगेटिव चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पर आड़ी रेखा भी आपके जीवन रेखा को काट कर जा रही है। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको समस्या देगा ही देगा। मंगल पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को गुस्से की समस्या होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है व्यक्ति, संयम ना होने की वजह से जीवन में नुकसान खाता है। जल्दबाजी जहाँ जहाँ दिखाएंगे वहाँ पर नुकसान होगा। एग्रेशन, गुस्सा, मंगल की अग्नि व्यक्ति की बातों में झलकती है। इसके अलावा काफ़ी सारी दिक्कत या फिर परेशानी रेखा आपको देने वाली रहेगी, जैसे कि शारीरिक क्षमता में कमी आना, बुढ़ापे में शरीर का साथ छोड़ देना, कमर दर्द और घुटनों का दर्द होना, ये चीज़ आपके जीवन में बुढ़ापे में रह सकती है, क्योंकि आपके हाथ में मंगल पर इस तरह की अवस्था मुझे दिख रही है। यदि आपके हाथ में आपके गुरुदेव बृहस्पति पर आ जाए तो बृहस्पति का हिस्सा अच्छा है, मजबूत है। ये सीधी खड़ी रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह की मेहनत मशक्कत कर लेते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। उम्र के साथ साथ व्यक्ति का पैसा कमाने का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता रहता है। अगर शनि के क्षेत्र पर आएंगे तो शनि का क्षेत्र अच्छा है, यहाँ पर क्रॉस लग रहा है। देखिए शनि के क्षेत्र क्रॉस बिल्कुल अच्छा भी नहीं होता। अगर यहाँ पर क्रॉस है तो समस्या आपको रहेगी। आपके जीवन में जब भी शनिदेव की 7.5 ढही आएगी आपको नुकसान जाएगा ही जाएगा। लोहे, आयरन, स्टील से कोई भी कार्य करते हैं नुकसान जाता है। वाहन पर लिमिटेड पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि वाहन जल्दी खराब होते हैं, अगर वाहनों पर ज़्यादा खर्चा होता है यहाँ पर, या फिर वाहनों से नुकसान जाता है। ये आपके हाथ की सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा अच्छी है, यहाँ पर क्रॉस लग गया। देखिए सूर्य पर भी क्रॉस है आपके हाथ में, और काफ़ी बड़ा क्रॉस है। सूर्य पर अगर क्रॉस लग जाए तो समस्या और बड़ी है। क्यों? देखिए आपके हाथ में जो तरक्की वाले साइन है, जो देखिए मैंने जो पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से पाया वो ये पाया है कि बड़ा पैसा हमेशा सूर्य और शनि या बृहस्पति से ही मिलता है। ये तीनों परत मौजूद है तो व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इन तीनों में दिक्कत है तो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले दिक्कत परेशानी में रह ही जाता है। आपके हाथ में सूर्य पर भी क्रॉस, शनि पर भी क्रॉस, यानी समस्या ज़्यादा है, समस्या बड़ी है। सूर्य पर क्रॉस बहुत तरह के दुष्प्रभाव देता है, बट इतना है कि अगर आपने मुझसे एनालिसिस करवाया है तो आपको सूर्य के और शनि के दोनों के उपाय दे दूंगा। अगर आप इनको डेली करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं हमेशा के लिए, अगर मान के चलिए अगर आपसे 20 साल आदि पूछूँ कि क्या आप मेरे दिए गए सूर्य और शनि के रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो अगर आप डेली रेमेडीज करते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी किसी भी रूप में। बाकी अभी देख पा रहा हूँ दोनों ही नेगेटिव पड़े हैं, बड़ा पैसा नहीं बनने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आएंगे तो बुध के क्षेत्र पर सीधी रेखा मौजूद है। देखिए बुध के क्षेत्र पर इतनी सारी रेखा हो तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, व्यापार करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करके बड़ा भाग व्यक्त करते हैं। व्यापारी बनने के अच्छे गुण आपके हाथ में दिख रहे हैं। संतान सुख की रेखा देती है और अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान आपकी वाणी द्वारा होगा। वाणी पर पूरा काबू ये रेखा बुध की रेखा दिखाती है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता। यदि आपके हाथ में आपके बाहरी मंगल पर आएंगे, बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र भी ठीक ठाक है आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। पिंकी फिंगर देखेंगे, पिंकी फिंगर आपकी सूर्य की उंगली पहले पल तक नहीं पहुँची। देखिए आपको समस्या रहेगी क्या, अपनी बात को मन में दबा कर रखना, अपनी बात को सही समय पर ना कह पाना,
मन में हड़बड़ाहट होना, बेचैनी होना, समस्या आना, ये चीज़ें रहती हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बात को नहीं कह पाते, बात को छुपा जाते हैं और हड़बड़ाहट बेचैनी रहती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये मिलता है कि व्यक्ति कुछ चीज़ों में कच्चा देखा गया है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ों का हेर फेर जो होता है, कागज़ अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना, फाइल मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति में कमजोरी। सबसे दिक्कत वाली क्या बात होती है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं आता, पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि कितना पैसा कहाँ रखना है, कितना अपने पास रखना, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। टाइम के मैनेजमेंट में दिक्कत होती है और मनी के मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, यानी कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना है। मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दो बड़ी दिक्कत आती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हरे पर्दे टांगे। हरे पर्दे टांगते हैं तो भी समस्या कम आएगी। यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य की उनकी शनि की बराबर है तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव टाइम नेचर आपको ये रेखा देती है। देखिए आपके हाथ में हृदय रेखा में दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? देखिए हृदय रेखा जिस प्रकार की है आपके हाथ में, आपको पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इशूज़ आते हैं, इमोशनल हर्ट होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखी गई है। देखिए मैंने क्या देखा है, मैंने देख पाया है लोगों के हाथ में। देखिए पामिस्ट्री की नॉलेज अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है। नॉलेज कुछ बताती है लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैंने करा है कि देखिए एक सज्जन की वजह से, इस रेखा की वजह से कमर दर्द हुआ था और कमर की वजह से ऑपरेशन हुआ था। एक सज्जन के जीवन में इमोशनल हर्ट हुआ था, धोखाधड़ी हुई थी पैसों के लेन देन में, या फिर किसी को दिया गया पैसा वापस लौट कर नहीं आया। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो मैंने ये एक्सपीरियंस से पाया वो ये पाया है कि हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है, परिवार में हो, जीवन साथी को लेकर हो। तो हृदय रेखा में आपके ऐसे में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा देख पा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो दो हृदय रेखा आपकी दो भागों में टूट गई है। ये अच्छा साइन होता है, शुभ साइन होता है। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि गुरुदेव बृहस्पति पर आपकी हृदय रेखा जा रही है, वो भी दो समय टूटकर। विष्णु सिंबल है, भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति कर कर आपका भाग्योदय होगा। जितना आप नारायण की भक्ति करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप लिज अमृत है। मस्तिष्क रेखा ठीक है, सही है, बट देखिए जहाँ इतनी स्मूथनेस यहाँ पर है, सॉरी जितनी स्मूथनेस यहाँ पर नहीं है, इतनी स्मूथनेस यहाँ पर दिख रही है, मतलब बचपन से चल रहे हैं बुढ़ापे तक, यहाँ मस्तिष्क में दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे आपकी मस्तिष्क आगे बढ़ती जा रही है इसमें दिक्कत खत्म होती जा रही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि 45 के बाद आपकी मस्तिष्क बहुत सही हो जाएगी, उत्तम हो जाएगी, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। बाकी ये दिखाती है कि आपका दिमाग इस तरह अच्छा है, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, लॉजिक सेंस आपका बहुत अच्छा है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जहाँ लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ को नहीं मानते। बौद्धिक स्तर बढ़िया है तो जीवन में फ्रॉड स्कैम होने के चांसेस कम कम है, बहुत कम है। बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी मुझे दिख रही है, मजबूत बौद्धिक क्षमता रेखाओं में दिख रही है। और देखिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हल कर लेता है। यदि आपकी जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा अच्छी है, सही है, इस प्रकार जीवन रेखा जा रही है, लास्ट में दो भागों में टूट रही है। देखिए जीवन रेखा का दो भागों में टूटना 100% संकेत है कि आपको बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा के दर्शन होंगे, मल्टीपल ट्रैवलिंग होंगी, इसके अलावा संतान द्वारा सेवा भी रेखा दिखाती है। यदि आपके हाथ की भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा सही है, इस प्रकार जा रही है, सीधी चलती जा रही है, दो भागों में टूट रही है, बट देखिए अंत में आपकी भाग्य रेखा शनि पर पहुंच चुकी है, शनि पर पहुंच गई भाग्य रेखा। इस बात को दिखाती है कि व्यक्ति इसमें कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी परेशानी में आ जाए, बट अंततः सफल हो जाता है। भाग्य रेखा दो भागों में टूटी है, ये रुकी है लेकिन ये पहुंच गई है, इसका मतलब है कि भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए समस्या एक नहीं 50 है आपके हाथ में, बट इतना भी है कि हर एक संकट से लड़ जाएंगे और हर एक संकट से जूझ कर जीवन समस्या को समाधान करके अपने जीवन में तरक्की कर लेंगे। ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए मनी ट्रायंगल बन रहा है, इतना संकट होने के बाद भी मनी ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि बड़ा पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। देखिए इसका मतलब ये कि जीवन में कितना भी पैसा कमाए, कितना भी पैसा कमाए, अच्छा पैसा बचा लेता है, पैसा बना लेता है, पैसे से पैसा कमाता है, सेविंग्स को दिखाता है। ये दिखाती है कि आपको अच्छा भाग्य परमात्मा द्वारा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमाग परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। देखिए जो मेजर समस्या कहाँ से आ रही है, समस्या आ रही है दाहू की वजह से, या आपकी जीवन रेखा है ये कट भी लग रहे हैं, आपकी भाग्य रेखा है भाग्य रेखा में भी कट लग रहे हैं। तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा में कट, यानी आप मान सकते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको कटों का सामना करना रहेगा, या आपको समस्या देने वाले रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है तो आपको लाभ भी बढ़िया मिलेंगे। देखिए मैं आपके हाथ में शुरू से ही देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में जब संघर्ष आएगा तो अपार आएगा, बहुत बड़ा संघर्ष आपके हाथ में है, बहुत बड़ी समस्या आपके हाथ में है, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वो भी इस लेवल की मिलेगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी राहु रेखाएं तो देखिए व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल तर्क वितर्क कर देती हैं, बहुत बिल्कुल बिगाड़ देती है, व्यक्ति को समझ में आता है कि आखिर मैं क्या करूँ। इसके बाद तुरंत ऑफशूट भी आ रहे हैं,
तो बड़ी सफलता भी है आपके हाथ में, भाग्य रेखा मजबूत है। देखिए आपके हाथ में कोई भाग्य रेखा रुकी नहीं है, यहाँ पर कट लगा, यहाँ पर कट लगा, यहाँ पर कट लगा, यहाँ पर कट लगा, लेकिन भाग्य रेखा फिर भी चली। इसका मतलब ये कि संकट बड़े बड़े, लेकिन संकटों से जूझ जाएंगे, सॉरी संकटों से लड़ जाएंगे, संकटों से पार पा लेंगे। संकटों से जूझ कर लड़ कर बड़ा फायदा है आपके हाथ में। तो मैंने आपके पाम कंसिस्ट कर दिया, आपके पाम की लाइट ये है कि राहु रेखा रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा, डेली करते रेगुलर करते आपको लाभ मिलेगा। मुझे आपको किस किस की रेमेडीज देने देंगी, मुझे आपको देनी रहेंगी राहु रेखाओं की, शनि पर क्रॉस, सूर्य पर क्रॉस, ये तीन रेमेडी आपको देनी रहेंगी। इसके अलावा भाग्य रेखा और मजबूत हो जाए, जीवन रेखा और मजबूत हो जाए, इसकी रेमेडीज आपको दूंगा। मनी ट्रायंगल बनना है तो लाभ है, अच्छा लाभ है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि आपको रेमेडीज हमेशा के लिए रेगुलर करनी रहेंगी। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पर रिव्यू दे दीजिएगा क्या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाइंग है नहीं है जो भी है सब बता दीजिएगा। उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप हमें शनि के राहु के रेमेडीज दे दीजिए, आपको सारे रेमेडीज ध्यान से दे देंगे। इसके अलावा कोई डाउट कोई रह जाए वो भी लिख दीजिएगा, कि ये आपने सवाल नहीं बताया तो कोई क्वेरी रह गया, कोई सवाल रह गया तो वो भी लिख दीजिएगा ध्यान से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कोई सारे लोग जब मिल जाए, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।